नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द एंटायर सिस्टम इज फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इफ द वैल्यू ऑफ जी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको सब दिया सीजीएस सिस्टम में है और आपको आंसर भी सीजीएस सिस्टम में दिया है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड एज आई टोल्ड यू कि इतना सारा थ्योरी हमने इसलिए किया था बिकॉज वी वांटेड टू नो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक्स. एनी सिस्टम कमिंग डाउन फोर्स इज मास जी माइनस ए, खत्म. टेंशन इज मास इंटू जी माइनस ए. मास कितना बोला है आपको? 10 ग्राम. जी कितना दिया है? 980. ए कितना दिया है? 400. तो दिस इज 580 इंटू 10, 5809. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व ऑप्शन नंबर ए. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 किलोग्राम. सो देयर इज एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 किलोग्राम एंड आपको ऐसा बोला है आगे इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. सो द वेलोसिटी ऑफ दिस आर्मी व्हीकल इज 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड. एंड इट एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन. तो फॉरवर्ड फोर्स इज लेट अस से कैपिटल एफ. It is of 1000 न्यूटन. ये फॉरवर्ड फोर्स है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, फॉरवर्ड फोर्स को. एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन. तो ऑफ कोर्स दिस आर्मी व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड और रोड और टायर सरफेस में देयर विल बी फ्रिक्शन. तो जो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन है, मतलब फ्रिक्शनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अपोजिशन ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज लेट अस से F2. तो ये आ गया F2. कितना है ये? 500 न्यूटन. ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. तो दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. कि ये काइनेमैटिक्स के इक्वेशन, मतलब बेसिकली टू रिमेंबर, हमने मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, ये इसमें भी काइनेमैटिक्स के इक्वेशन यूज किए थे और यहाँ पे भी काइनेमैटिक्स के इक्वेशन यूज करने. तो व्हाट इज द डिफरेंस? When you study 1D motion or 2D motion, तो आप उस केस में फोर्स का जो ओरिजिन है, मतलब सोर्स, उसकी बात ही नहीं करते. We just say final velocity find करना, initial इतना है, acceleration इतना है, time इतना है, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. बट इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप फोर्स का ओरिजिन, उसका भी हमको यहाँ पे, उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ता है. तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन. आपको क्या बोला है? आपको बोला है व्हाट द स्पीड, कौन सा स्पीड? इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड ऑफ आर्मी व्हीकल इज 10 मीटर पर सेकेंड. उसका मास कितना है? 1000. मास इज 1000 kg. फॉरवर्ड फोर्स ड्यू टू इंजन इज 1000 न्यूटन एंड बैकवर्ड फोर्स ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 500 न्यूटन. आपको पूछा 10 सेकेंड के बाद स्पीड कितना होगा, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी इक्वल टू यू, यू प्लस ए इज नेट फोर्स. याद रखना ये वर्ड, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. अब आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल मोशन में तो नेट फोर्स मैंने बोला ही नहीं था, मैंने बोला था फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ऐसे बताया ना मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. वहां पे नेट फोर्स का क्वेश्चन नहीं था क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं था. अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो नेट फोर्स की बात होगी. तो वो स्मूथ सर्फेस था, ये सर्फेस स्मूथ नहीं है. तो यू हैव U, what is U value? 10. So V equal to 10, net force 1000 minus 500. So net force is F1 minus F2, that is 1000 minus 500, that is 500. This is 1000 minus 500, so 500. Total mass of the system kitna hai? 1000. Aur time kitna bola hai? 10. 15 meter per second. तो ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
A rocket is ejecting 50 ग्राम ऑफ gases पर सेकेंड. याद रखना ये ग्राम पर सेकेंड दिया हो मतलब मास अपॉन टाइम होता है, तो ये dm by dt होता है. So this is dm by dt which is 50 ग्राम पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड इज कॉन्स्टेंट 500 मीटर पर सेकेंड. द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी, एक्सेलरेटिंग फोर्स, फोर्स पूछा है मतलब. और अगर आपको याद होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो कन्वर्ट कर लो, ग्राम इज 10^-3 किलोग्राम तो पर सेकेंड, ये आ गया. इफ यू रिमेंबर आपको याद होगा फोर्स इज dp by dt एंड दिस इज dm इनटू u by dt. अब इस केस में u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर, तो ये आ जाएगा u dm by dt. तो u पता है 500 और ये आपको पता है dm by dt 50 × 10^-3. ये दो जीरो और एक जीरो 10^3 और ये 10^-3 आंसर 25 न्यूटन ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज. तो अगर आपको याद होगा कि स्मूथ वेज मतलब क्या, यू शुड रिमेंबर यू हैव अ प्लेन और इस प्लेन को ऊपर उठा लेते हो तो इट बिकम्स अ स्मूथ वेज. और स्मूथ क्योंकि बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो आपके पास एक स्मूथ वेज है एंड दे हैव टोल्ड यू दैट व्हाट यू हैव इज अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन दिस वेज. तो इस वेज पे एक ब्लॉक ऑफ मास m है. देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, लेट मी शो दिस ब्लॉक फर्स्ट. ऐसा एक ब्लॉक होगा which is kept over here, something like this. Okay, तो ऐसा कुछ एक मास है. अब समझ लेना कि टच करके है सरफेस तो इट इज इन कॉन्टैक्ट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे ही ये डायग्राम आया तो सारे के सारे कंपोनेंट्स याद आ जाने चाहिए. ओके विल डू दैट. आगे आपको बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, मतलब दिस एंगल इज थीटा. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. If you remember, हमने इसको एक horizontal acceleration b provide किया था. अगर आप b provide नहीं करोगे, तो in that case components were something like this. ये mg होता है downwards. फिर यहाँ पे एक होता है normal reaction. तो basically the idea was this. ये mg था. ये mg था और ये था थीटा, ये था mg cos थीटा, यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन और mg sin थीटा, ये mg cos थीटा को परपेंडिकुलर होता है. ये था आपके पास यू हैड ओवर हियर एज mg sin थीटा. इतने कंपोनेंट्स होते हैं इफ यू आर नॉट अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल पुश. अगर इन एडिशन आपने अगर इसको B अप्लाई कर दिया राइट तो एक सूडो फोर्स एक्ट होगा जो यहां पे आएगा. इट इज ओवर हियर, दिस इज एम बी फोर्स. और अगर आपको याद होगा तो इस एम बी फोर्स के आप कंपोनेंट्स करते हो और एक कंपोनेंट जाता है यहां पे विच इज एम बी कॉस थीटा. ये एम बी कॉस थीटा क्यों आता है, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है और इसी एम बी का एक कंपोनेंट जाता है इस डायरेक्शन में नीचे, दैट इज एम बी साइन थीटा. करेक्ट. तो कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, कंपोनेंट्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पुश वो याद होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ पुश वो भी याद होना चाहिए. तो इन एब्सेंस एम बी साइन थीटा एम बी कॉस थीटा ये देखिए जाना. करेक्ट. अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज. डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, ये वर्ड याद रख लेना. अगर ब्लॉक जो है वो वेज पे स्लिप नहीं हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा तो ऊपर के फोर्स ने बैलेंस किया होगा. यस. तो इफ द ब्लॉक
does not slip, does not slip on the wedge. इसका मतलब ये जो आपके पास एम बी कॉस थीटा है, इसने एम जी साइन थीटा को कर दिया बैलेंस, ये और ये हो गया कैंसल. तो बी कॉस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, इसको हम लोग फिलहाल रख देते हैं, काम में आएगा. आगे बोला है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक. फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज मतलब नीचे का जो ये आपको दिख रहा है, ऑन द ब्लॉक कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फोर्स एक्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंच ऑन यू इज नॉर्मल रिएक्शन. हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा है. इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन. बट फ्रॉम डायग्राम, बट नो 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 नो, इट इज आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा. तो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा. अब एक काम करो, आर इक्वल टू एम कॉमन निकाल लो, जी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, राइट. तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू अब जी कॉस थीटा और बी साइन थीटा. हमारे पास बी कॉस थीटा और जी साइन थीटा है, यहाँ पे जी कॉस थीटा और बी साइन थीटा है, तो उल्टा है. तो क्या करेंगे, या नो, बट थिंग इज इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, इट इज इन टर्म्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी एंड एम जी कॉस थीटा, मतलब बी नहीं दिखना चाहिए. तो यू डोंट वॉन्ट टू सी बी. तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी बी इन द आंसर, ये आपको दे रहा है बी, ये आपको बता रहा है कि b की जगह पे g sin थीटा अपॉन cos थीटा सब्स्टिट्यूट करो. तो आंसर दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू शुड ऑल्सो हैव अ वॉच ऑन द ऑप्शंस. तो ये जो b है ये जाएगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा m g cos थीटा प्लस b, बट b इज g sin थीटा बाय cos थीटा इनटू sin थीटा. फर्स्ट थिंग इज जी विल बी टेकन आउट कॉमन एम जी, सेकेंड थिंग विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, अपॉन आ गया कॉस थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस थीटा. दिस इज एम जी बाय कॉस थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज एम जी बाय कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी. The adjacent figure is a part of a horizontal stretched net. So you have a net and you are stretching it horizontally. Section AB is stretched with a force of 10 Newton. So section AB, as you can see, this section AB over here is stretched with a force of 10 Newton. The tensions in the section BC and BF are tensions here, BC and BF are BC and BF. Okay, good. They are actually kidding with you. Why? Lamy's theorem. Lamy's theorem. Same aega, same. 10-10. Why 10-10? Because Lamy's theorem yaad hoga, ye AB, ye AB force hai, ye 120 hai, ye BF hai, ye bhi 120 hai, aur ye BC hai, yahan pe bhi ye 120 hai. Lamy's theorem agar yaad hoga, to Lamy's theorem aisa hota hai, AB force upon sine of AB ka opposite 120. उसके बाद BC अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल 120, उसके बाद इक्वल टू BF, नहीं BF उसका अपोजिट साइन ऑफ 120, तो गया 120 120 120 तीनों में सेम है. तो इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू BF. जब AB 10 है तो BC और BF भी 10 ही होगा, तो 10 एंड 10.
ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टी इक्वल टू जीरो इज 10√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अब मैं आपको बता देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम आई एक्सपेक्ट दैट यू नो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वेलोसिटी. अभी स्केलर वैल्यू दिया है ना 10√2, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. ओके, मैं बताता हूँ कैसे. तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू जीरो इज 10√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्टेड टूवर्ड्स साउथ. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी. तो द थिंग इज, जिनको डायरेक्शन नहीं पता, पहले डायरेक्शन पता कर लो. तो यू शुड नो ऑलवेज दैट ईस्ट इज टेकन टू बी आई कैप, west is minus i cap, which we will anyways not need, but ठीक है, minus i cap. north is plus j cap and south is minus j cap. अब आपको बोला है कि at t equal to zero the velocity is directed northeast, northeast जो भी वैल्यू होगी 10√2, right? It is 10√2, तो u equal to 10√2. अब नॉर्थ ईस्ट बोला तो ईस्ट से भी 45 एंड नॉर्थ से भी 45, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये आएगा कॉस कंपोनेंट, ये आएगा यू का एक्स कंपोनेंट विच इज यू कॉस ऑफ थीटा. यू कितना 10√2, कॉस ऑफ 45, कॉस 45 कितना 1/√2, तो कैंसल एंड कैंसल, तो 10. तो मैंने बताया था कहां पे एक्स में है, हाँ, so u x bar will be 10 i cap, right? Then y component is sine component. Sine component is also yahan pe same, kyunki u y equal to u sine theta which is equal to 10√2 sine 45 which is 10. So u y bar is 10 j cap. तो अगली बार से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 10√2 नॉर्थ ईस्ट, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, उसके बाद 10√2 नॉर्थ वेस्ट माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10√2 साउथ ईस्ट 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और 5√2 साउथ वेस्ट माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप. वेरी गुड. तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई 10 आई कैप प्लस जे कैप, और आपको बोला है एक्सेलरेशन इज हाउ मच. एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, तो एक्सेलरेशन बार इज टुवर्ड्स साउथ, साउथ इज माइनस जे कैप. और आपको पूछा है कितने सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद. 5 सेकेंड के बाद क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी. तो v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t. u बार इज 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस a बार इज माइनस 2 j कैप और टाइम इज 5. तो प्लस 10 j कैप माइनस 10 j कैप कैंसल, तो क्या बचेगा 10 i कैप मतलब 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. I cap is east, minus I cap होता तो west बोलते, तो 10 meter per second towards east. Option number A. Next question. A particle moves in xy plane under the action of a force F such that the components of its linear momentum P at any time t are 2 cos t and y component is 2 sin t. The angle between f and p at time t is. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ये वेक्टर्स में, और अभी अभी वीकेंड बैच में तो किया था सॉल्व. फिर भी जिनको याद नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यू डोंट रिमेम्बर ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया है, तो इससे मोमेंटम का वेक्टर बन जाएगा. और नहीं भी बना पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू राइट इन वेक्टर फॉर्म. तो आप लिख सकते हो पी एक्स इज टू कॉस पी, और पी एक्स से मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर. कैसे? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी पी एक्स बाई डी टी. तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव टू कॉस टी का, और टू कहाँ जाएगा? बाहर. कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन, साइन मतलब माइनस के साथ, तो माइनस साइन टी. और वाई कंपोनेंट किसका? मोमेंटम का. कितना दिया हुआ है? टू साइन टी, टू साइन टी. तो फोर्स का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा डी पी वाई बाई डी टी, मतलब में मिल जाएगा डी डी टी ऑफ टू साइन टी. टू को निकाल लो बाहर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, यहाँ माइनस नहीं आता है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव में आता है. और डेरिवेटिव में माइनस कब कब आता है वो भी बताना चाहिए. सी, पहला लेटर सी, कॉस कोसेक एंड कॉट. गुड, तो ये आ गया आपके पास एफ वाई, ये आ गया आपके पास एफ एक्स. तो एफ एक्स है, एफ वाई है. एंगल जब जब फाइंड करना हो तब तब मैंने आपको बताया था कि कॉस ऑफ थी डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट आएगा एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी, मतलब पहले एफ बार डॉट पी बार निकाल लो, दैट इज एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई. मैंने तो आपको शॉर्टकट भी बताया था, जिनको याद है ठीक, जिनको नहीं याद है तो देख लो. जब ऐसा हो मोमेंटम में कॉस और साइन, और फोर्थ में कॉस और साइन बस एक नेगेटिव, मतलब टोटल चार में से एक नेगेटिव है क्या? यस, राइट. तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. देखो एफ एक्स कितना? माइनस टू साइन टी. पी एक्स कितना था? टू कॉस टी. एफ वाई कितना आया? टू कॉस टी. और ये पी वाई कितना है? टू साइन टी. फोर साइन टी कॉस टी माइनस, और फोर साइन टी कॉस टी प्लस जीरो. ये जीरो तो ये जीरो, कॉस की वैल्यू जीरो, मतलब एंगल इज 90 डिग्री. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 1 mm. The water comes out at a rate of 10 centimeter cube per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is. So if you must have experienced this. So when you water the plants, तो जब आप gardening करते हो, when you turn on water flow, water starts flowing outside. So when water flows outside, आपको उस पाइप को पकड़ के रखना पड़ता है जोर से. वाई? अदरवाइज बिकॉज ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक्शन इज वाटर कमिंग आउट, रिएक्शन इज बैकवर्ड फोर्स, राइट. तो रिएक्शनरी फोर्स कितना? जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, मतलब आपको एक्शन फाइंड करना है बेसिकली, दैट इज द आइडिया. अब रिमेंबर दिस, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. एंड Also, you will learn one thing from here कि हर बार आपको सारे के सारे parameters directly नहीं दिए होंगे. You have to identify. अब for example, चलो diameter तो दे दिया आपको, इस pipe का diameter दे दिया d. अब diameter है 1 mm. Diameter से मिल जाएगा radius 0.5 mm. 0.5 mm मतलब 0.5 mm. 0.5 mm, mm is 10^-3, और 0.5 में एक 10^-1 है. तो 5×10^-4 meter, तो रेडियस मिल गया. रेडियस से एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप. क्यों फाइंड कर रहे हैं समझेगा. एरिया मिल गया आपको पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 25×10^-8. तो 25 pi × 10^-8 मीटर स्क्वायर को रख देते हैं फिलहाल, निकाल के काम में आएगा बाद में. गुड, दिस इज वॉट यू नो. अब और क्या दिया है? द वॉटर कम्स आउट एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये कौन सा क्वांटिटी है? 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यस, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉटर इज कमिंग आउट पर सेकेंड. तो ये वॉल्यूम का कैपिटल वी, नॉट, इट इज नॉट स्पीड, इट इज वॉल्यूम. तो डीवी बाई डी टी कितना? 10 सेंटीमीटर क्यूब पर
सेकेंड, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, 1 सेंटीमीटर इज 10^-2 मीटर और क्यूब बाय सेकेंड, तो 10^-2 इज 10^-6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 10^-5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, आपको पूछा है रिएक्शनरी फोर्स, तो रिएक्शनरी फोर्स, फोर्स कैसे निकालेंगे, रिएक्शनरी फोर्स इज फोर्स, फोर्स इज एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ना मास पता है ना एक्सेलरेशन पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, करेक्ट, एंड ए इज डीवी बाय डीटी, गुड गुड। अब यू शुड नो इसको मैन्युपुलेट करते आना चाहिए, अगर इसको आप मैन्युपुलेट कर गए तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन यू फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, और आपको याद होगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए इज स्लोप, मतलब डीवी बाय डीटी, तो ये थोड़ा सा बेसिक जो है वो याद रखोगे तो काम में आएगा। तो ऐसा है कि ये है स्लोप और स्लोप है डीवी बाय डीटी, मतलब ये है वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए जो दो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो ले लो, तो यू इफ यू वांट यू कैन टेक अ पॉइंट ओवर हियर, आप बोल देना ये टाइम है टी, मतलब टी टू इज इक्वल टू टी, और ये वेलोसिटी है v, मतलब v2 इक्वल टू v, और एक ओरिजिन ले लो, इसका मतलब ये 0, 0, मतलब v1 0 और t1 भी 0, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, t1, v1 0, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो v2 इज v, v1 इज 0, t2 इज t एंड दिस इज 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज v बाय t। मैं चाहता तो मैं स्किप कर देता, मैं बोलता डायरेक्टली वी बाय टी, पर पता होना चाहिए, यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग, कहां से क्या आया, तो मैं सेफली आराम से मैं डीवी बाय डीटी को मैं वी बाय टी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया, जैसे डीवी बाय डीटी को लिख सकते हो तो डी वॉल्यूम बाय डीटी को भी लिख सकते हो, तो इसको भी तो आपको वी बाय टी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है तो नॉन पैरामीटर क्या है वो देखना पड़ता है, नॉन पैरामीटर क्या है आपके पास, वॉल्यूम बाय टाइम। अब शिफ्टिंग शिफ्टिंग, ये टी इसको दे दिया, रो और वी को अकेला छोड़ दिया, ये पता है यस डेंसिटी वाटर है 10^3 1000 kg/m³, ये तो पता ही होना चाहिए, अगर आप बोलोगे कि दिया नहीं था तो बोलेंगे जिंदा कैसे हो, यू नीड टू नो, गुड। देन अब v पता नहीं तो अभी इसका प्रॉब्लम है, तो डायमेंशनल एनालिसिस लाओ, अब डायमेंशनल एनालिसिस, या तो फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद होना चाहिए, डू यू रिमेम्बर हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव किया था क्या, यस yes. तो मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन में हमारे पास एक वायर थी, वायर में एक सेक्शन था, सेक्शन का एरिया था ए, हमने बोला था इसमें से करंट कितना, पहले तो चार्ज, उसके बाद एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा चार्ज, उसके बाद जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा करंट, उसके बाद जितना स्पीड ज्यादा उतना करंट, राइट, दिस इज हाउ यू रिलेट बेसिकली। तो अभी डायमेंशनल एनालिसिस में जाने जाऊं तो आप करते बैठना सही क्या है, कंप्लीट क्या है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको, रफ आइडिया। अब इमेजिन यहां से जो पानी निकल रहा है, राइट, इसमें से वॉल्यूम कितना ज्यादा, वॉल्यूम इस पे डिपेंड करेगा जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा टाइम के लिए काउंट कर रहे हो तो एवीटी या फिर वैट, वैट पता ना वैल्यू एडेड टैक्स, वैट इस वॉल्यूम, नहीं मैं ऐसा ही याद रखता हूँ, सॉरी फॉर दिस, तो ये यहां से पता होना चाहिए। अब क्रॉस वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं, कैसे करोगे, बट ये इसको रख देते हैं फोर्स को, बट वॉल्यूम फ्लोइंग इज बी ए
टी, चेक कर लेंगे ना, वी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम. वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, एरिया इज मीटर स्क्वायर, टाइम इज सेकंड. कैंसिल मीटर पर सेकंड, यस. तो स्पीड का फॉर्मूला बराबर है, तो करेक्ट है, राइट. तो मीटर पर सेकंड आ रहा है डायमेंशनली, गुड. तो गुड, तो इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और आई विल कीप दिस बिकॉज यू मे वॉन्ट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. बट सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन नंबर टू इज फोर्थ, सॉरी वन इज फोर्थ, वॉल्यूम बाई टी रो, वी इज वॉल्यूम एरिया टी. अब ये हो गया वॉल्यूम बाई टी का स्क्वेयर, रो बाय एरिया, वॉल्यूम बाई टी कितना, 10^-5 का स्क्वेयर, 10^-5 का स्क्वेयर. और ये डेंसिटी 10^3 और एरिया 25 पाई इंटू 10^-8 सॉल्व करना पड़ेगा इसको. तो ये आ जाएगा 10^-10 और 10^+3 और ये ऊपर जाके 10^+8 अपॉन 25 पाई. अब मैंने आपको बहुत बहुत बार बताया है कि नीचे 25 तो ऊपर 100 रखो, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन सिंपल होगी. क्या करेंगे, ये जो 10^3 है ना, इसको 2 कर लेंगे. तो एक कहां गया, एक इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसके साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब 10^-1 बचेगा, बाकी सब गया गया. ओके, एवरीथिंग एल्स गॉन, करेक्ट. फिर ये 10^2 है, मतलब ये है 100, मतलब 1 और 4 दा, और 1/5 तो पता ही होता है, 0.318 इंटू 4 इंटू 10^-1, दिस इज रफली 31 × 4. अरे 0.32 मान लो, 0.32 × 2 64 × 2 128. तो दिस इज 1.28 इंटू 10^-1, 0.128 न्यूटन ऐसा मिलना चाहिए आइडियली, 0.12127. हाँ तो ठीक है, उतना एरर चलता है, तो फाइन, डन. सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन.